आज के बाद तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म है माहिर। क्यों किसी रिश्ते विश्ते के चक्कर में पड़े भाई? ये भाई फ्रेंड्स। फ्रेंड तुमने बताया नहीं मेहरुन्निसा कौन है? ये पार्क में मिला था, बहुत अच्छा लड़का है, इनफैक्ट हमारी दोस्ती हो गई है। आंटी आपका ड्रेस निकाल दिया। अपा, आपको क्या पसंद आया? भाई हम तो अपनी उम्र और हैसियत के मुताबिक कपड़े का इंतखाब करते हैं। वो बेज कलर का जो है ना, गोल्डन बेज, वो रहा, वो प्लीज दिखाइए। सहर कुछ पसंद आया? मैं कुछ व्हाइट या ऑफ व्हाइट में देख रही हूँ लेकिन कुछ क्लिक नहीं कर रहा। सारा दिन फारिग बैठे हुए थे, कम से कम कमरे साफ कर देते। काम करने की आदत नहीं है मुझे यार। बादशाह सलामत, ये आपका महल नहीं है बल्कि इस गुलाम की खटिया है, तो बराए मेहरबानी अपने खाली तख्त से उतराइए और काम में मदद कीजिए। चलें। क्या करना है? ये कपड़े पकड़ो, मशीन लगाओ, कपड़े दो मेरे। मैं कपड़े दूँ? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? और दिमाग तुम्हारा खराब है, ना काम करते हो ना पैसों में शेयरिंग करते हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। बल्कि अपने ठिकाने का कर लो, चलो शाबाश। अच्छा 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 यार, कर रहा हूँ ना भाई, करता हूँ, पैसे गुस्सा क्यों हो रहा है? अच्छा बताओ ये कपड़े कैसे धोते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। उठाओ चलो मेरे साथ, मैं सिखा दूँ। आओ उठाओ कपड़े, आओ चलो चलो दिखाता हूँ तुम्हें वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं। ये मशीन है, इसमें पहले पानी डालना है फिर सर्फ डालना है, ठीक है? पहले सफेद कपड़े धुलेंगे बाद में रंगे, और पानी सही से निचोड़ना कपड़ों में से, ठीक है? और याद रहे पानी कम इस्तेमाल करना, वरना मालिक मकान की बेगम की कहानियों की बरसात शुरू हो जाएगी, वो मैं सुन नहीं सकता। ओके ठीक है। वैसे तू सुबह गया था? हाँ। तू क्या बना? तो फिर दोबारा ट्राई करो, बल्कि उस क्लब जाओ जहाँ पर तुम टेनिस सिखाया करते थे, शायद वो तुम्हें वापस रख लें। देखता हूँ। देखना देखना पारल, अभी ये कपड़े दो शाबाश। अरे सत्यानाश जाए तुम्हारा, सारी टंकी खाली कर दी, टैंकर तुम्हारा बाप डलवाएगा क्या? अरे बेशरम नलका बंद कर दे, आज के दिन धोबी घाट खोल लिया क्या? अच्छा बस। क्या बस? कर रहा हूँ, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। आता है ना वो बाबर मोटा, उसको बताती हूँ मैं, बहुत नखरे हो गए तुम्हारे। वाह नाराज थी। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, जोड़ा खरीद लिया? जी मम्मी। कितने का था? सिर्फ 4.5 लाख का। वैसे आंटी ना सस्ते में छूट गई, मैं शादी पे इससे ज्यादा एक्सपेंसिव जोड़ा लूंगी। ओ मम्मी, आपको पता है क्या हुआ? आंटी ने अपने लिए इतने ब्राइट कलर्स में लहंगा लिया है। क्या, दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? एंड ओ माई गॉड, दुर्दाना फुप्पो तो उनको इतने हैरान होकर देख रही थी, उनका तो मुंह ही बन गया था। हद हो गई, अफान के डैडी को अभी मरे हुए अरसे ही कितना हुआ है कि मेहरुन्निसा ने रंगीन कपड़े पहनना शुरू कर दिए, और वो भी लहंगे में। मुझसे ज्यादा तो आंटी की तैयारी हो रही है, 3 लाख का जोड़ा तो वो पहन रही है। मिनाल को समझाना चाहिए था, अभी नई नई बेवा बनी है और मुकाबला करने चली है नई नवेली बहू से,
मिनाल तो आंटी को फुल सपोर्ट कर रही थी। वैसे भी मम्मी मुझे तो बहुत उलझन हो रही है, अगर वो मुझसे फंक्शन पे ज्यादा अच्छी लगी तो। वैसे भी ब्राइड से ज्यादा अच्छा किसी को भी नहीं लगना चाहिए। तुम कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो। अरे बेटा तुमसे अच्छा कोई नहीं लग सकता, और वो भी मेहरून सा हद कर दी तुमने। वैसे आंटी है तो ग्रेसफुल, काफी यंग भी है। यंग लगती है नहीं। और ये जो आंटियां लड़कियों जैसी हरकतें करती है ना, तो गैदरिंग्स में उनका सिर्फ मजाक ही उड़ता है। खैर छोड़ो, हम भी काम मेरोनिसा को डिस्कस करने बैठ गए। ये बताओ ज्वेलरी का क्या हुआ? आज से सारा टाइम कपड़ों पे निकल गया, इसलिए ज्वेलरी के लिए हमने कल का टाइम ले लिया। सहर कल मैं चलूंगी तुम्हारे साथ ज्वेलरी खरीदने। तुम्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, हटाओ, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है किस किस्म का सेट खरीदना चाहिए। ऐवी कोई तुम हल्का फुल्का सा सेट खरीद के ले आओगी। अरे बेटा यही तो मौका है बड़े बड़े सेट खरीद के प्रॉपर्टी बनाने का। ओ अच्छा, अफान की कॉल है। हेलो, हाँ कैसे हो? अरे हाँ यार, बड़ी मुश्किल से पसंद किया है लहंगा। अरे नहीं, रेड में नहीं, ब्राइट कलर्स आजकल इन नहीं है, मैंने लाइट पिंक में पसंद किया। अपने घर में चोरी किया? तो सामान ही चोरी कर सकता था, काश आपकी और अम्मी की मोहब्बत मिली होती तो वो चुरा लेता। आप घर नहीं आ सकते, अगर आपकी वालदा आपको रखती है तो उनके पास चली जाइए। माँ के लिए तो वैसे ही मर चुका हूँ, मुर्दे को कौन जगह देता है। बेटा क्या गया, आपको तो जबान ही साथ ले गया, आप तो किसी से बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं कुछ। मेरी औलाद है, पहली औलाद, इतने दिन हो गए ना उससे मिला हूं ना उसे देखा, और आप चाहती है कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं। जाऊंगी, औलादें तो आपकी और भी हैं, इज़ा है, मदीहा है, या फिर ये कहिए कि वो नाहीद बीबी की भी औलाद, यानी आपकी पहली मोहब्बत की औलाद है ना। आपके शक का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। शक नहीं, मुझे यकीन है, आपने आज तक मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी उस बेवफा और आवारा औरत से करते थे, बल्कि आज भी करते हैं। सच कहा है किसी ने कि पहली मोहब्बत ही आखिरी मोहब्बत होती है। सारी जिंदगी होगी आपको ये यकीन दिलाते हुए कि अब आपके सिवा और कोई नहीं है, लेकिन अदीना अब इन बातों के लिए हिम्मत नहीं रही मेरे पास। यकीन बातों से नहीं दिलाया जाता, यकीन दिलाने के लिए अमल का शफाफ होना बहुत जरूरी है, जो आपका कभी भी नहीं रहा। खैर मैं आपके लिए चाय लेकर आती। नहीं, चाय नहीं पीनी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, आराम करूंगा। एक बात मानेंगी आप? हाँ, अगर मानने वाली हुई तो जरूर मानूंगी। इसका मतलब है कि नहीं मानेंगी? माहिर के हवाले से अगर कोई बात हुई तो हरगिज नहीं मानूंगी, वो इस घर में बिल्कुल नहीं आएगा। और आपने मेरा और मेरी बच्चियों का हक मारकर अगर उसकी मदद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हट्टा कट्टा मुस्टंडा है, जाए कमाए खाए, हमारे भरोसे और आसरे पर कब तक पड़ा रहेगा यहाँ। अगर उसके दिमाग में इतना ही हड हरामी का भूत सवार है तो जाए अपनी माँ से मदद मांगे, उसने भी तो मोटा मुर्गा फंसाया हुआ है। बस बस,
खामोश हो जाएगी। देखा आज भी नाहिद के खिलाफ एक बुरा लफ्ज आपको कैसे तड़पा देता है। फिर कहते हैं मेरी मोहब्बत का यकीन करो, बड़े आई यकीन दिलाने वाले। इतना काम किया है कि भूख के मारे हाल बुरा है मेरा। सारे कपड़े तो मैंने धोए भाई। बस कर दे यार, कपड़े तो मैंने धोए सारे। वो मालिक मकान और उसकी बेगम, उनकी बातें और गालियां तो सारी मैंने सुनी ना। अल्लाह माफ करे माहिर, ऐसी गालियां। नहीं ये तो है, वो औरत बहुत बुरी है, उसने मुझे इतनी गालियां दी हैं। तू मफ़खोर है, थोड़ी सी गालियां सुननी तो क्या हो गया। मैं पैसे कमा के लाता हूँ उस घर में, मैं गालियां नहीं खा सकता। कर दूंगा बेटा तेरा सारा नुकसान पूरा। हाँ भाई प्लीज मेरा नुकसान पूरा कर दे। मालिक मकान ने 7 दिन दिए, 7 दिन में या तो कराया दो या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकलो। तुम क्या सोचने लगे? मैं क्या सोचूंगा, मैं सोच रहा हूं पैसे कमाओ तुम्हारे मुंह पे मारो। बहुत अच्छा सोच रहे हो, जल्दी से सोच लो ऐसा। ऐसा सुनो, खाना खा लिए, बर्तन और किचन में जो बर्तन है वो सारे धो देना। अबे क्या बर्तन भी धूमे? क्या आदमी यार ऐसा इंसान बन जाता है। ओ भाई ये कोई नई बात नहीं है, पूरी दुनिया में लोग खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं। और हाँ बर्तन धो के रैक में रख देना और किचन की सफाई के बाद ना 2 कप कड़क चाय बना देना। बड़ी तलब हो रही है यार। शाबाश, जाओ। हेलो। हेलो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? नहीं मैं भी बिल्कुल ठीक। वो मेरे आपसे एक मदद चाहिए थी मुझे, अगर आप बुरा ना माने। बोलो। आप भी सोच रही होंगी चंद दिनों की मुलाकात हुई और मुझसे मदद मांग रहा है बैठ के। मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में सोच के खुद को हलकान मत करो, बताओ। मेरू आप कोई नौकरी ढूंढ सकते हैं मेरे लिए अच्छी सी, अगर आपके लिए मुश्किल ना हो। वैसे मुझे टेनिस खेलना आता है, मैं टेनिस सिखा भी देता हूँ, मैंने बच्चों को पहले भी सिखाया है। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा हो, कोई कज़न, कोई भी रिश्तेदार हो, इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सिखा दूँगा। देखती हूँ, टेनिस क्लब का एड्रेस टेक्स्ट कर दो। हाँ मैं आपको भेज देता हूँ। ये कब तक पता चल जाएगा? हो सकता है कल ही। ज़बरदस्त, थैंक यू मेरू। वेलकम। वालदैन से सुलह हुई तुम्हारी? मिलने गए उनसे? नहीं ना मिलने गया ना सुलह हुई। दरअसल मेरे और मेरे वालदैन के रिश्ते के दरमियान बहुत बड़ी दीवार आ गई है जिसके पार वो मुझे देखना नहीं चाहते। कैसी दीवार? बदगुमानी, बेदबारी, मुफलिसी की दीवार। असल में पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो मेरे अब्बा को मुझ पर यकीन नहीं आता और ना उस पर भरोसा कर पाते हैं। और इस बात का बहुत पहले आइडिया हो गया था मुझे। गलत बात है माहिर, माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचते। वो लाख बदगुमानों बच्चों की मोहब्बत से दिल को खाली नहीं कर पाते। अरे भाई मेरे अलावा भी उनके बच्चों का काम चल रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं, आपको क्या पता। हर बच्चे का अपना मकाम अपनी जगह होती है माहिर, समझा करो यार। अब दोस्त मेरी हैं और आप साइड मेरे अम्मा अब्बा की ले रही हैं, गलत बात है मेरू। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, माँ की फिक्र और जज्बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। अब्बा से तो मुझे फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन अम्मी से वो तो नफरत करती है मुझसे। मगन है अपनी जिंदगी में अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ, मुझसे मोहब्बत होती है छोड़ के जाती मुझे। उनको शौहर भी मिल गया और बेटा भी मिल गया, मैं तो एक नासूर हूँ जो उनकी खूबसूरत जिंदगी को बदनुमा बनाता है। खैर मुझे छोड़ें, क्या बोल कर रहा हूँ मेरू, मैं फिर वेट करूँगा, अगर आप ये काम करवाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है कल मुलाकात करते हैं। चलें, थैंक यू मेरू, खुदा हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम मेरे चंदा। अरे भाई जमाना ही बदल गया है, या शायद मैं पाकिस्तान से दूर रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ के फैशन का ट्रेंड समझ में नहीं आता। क्यों, क्या हुआ पप्पो? भाई हमारे जमाने में तो दुल्हन सुर्ख जोड़े में ही सजती थी, मगर तुम्हारी सहर बीबी तो बुजुर्गों वाले रंग पसंद कर रही थी, वाइट ऑफ वाइट। जी आई नो, उसे ब्राइट कलर्स नहीं पसंद। मैं तो खुद चाह रहा था रेड कलर की ड्रेस पहने वो, लेकिन यू नो आई कांट फोर्स हर। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी दुल्हन ने सही, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे मंगनी वाले दिन डार्क कलर का लहंगा पहनेगी। माँ लहंगा पहन रही है? तौबा है भाई, मेहरनिसा का तो दिमाग ही चल गया है। क्यों पप्पो, माँ को नहीं पहनना चाहिए लहंगा? मेरा मासूम शहजादा, मेरे बेबी, तुम नहीं जानते लोग बातें करेंगे मेरी जान, अभी तुम्हारे बाबा को इस दुनिया से गए हुए अरसा ही कितना हुआ है। You know what I mean? तुम समझ रहे हो ना? हमारे खानदान में ये अच्छा नहीं समझा जाता, फिर तुम्हारे ससुराल वाले बातें बनाएंगे। पाकिस्तान में तो वैसे भी गॉसिप का बहुत ही शौक है लोग। ठीक है रिया पप्पू, मैं माँ को मना करूंगा वे ना पहने वो ड्रेस। कोई फायदा नहीं होगा, उसने तो खरीद लिया है, और मुझे लग रहा था शहर को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई थी। ये मनाल क्यों नहीं समझाती माँ को, क्यों मजाक बनने का शौक है उन्हें? पता नहीं क्या सीक्रेट पॉलिसी है दोनों माँ बेटियों की, मैं तो खामोशी रहती हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए तुमसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपने थोड़ी सी हिम्मत दे दी तो थोड़ा सा हौसला है। वो बच्चा नजर नहीं आ रहा जिसको कोचिंग सिखानी है। वो बच्चा बड़ा हो गया, मगर उसकी जिंदगी में खेलने की ख्वाहिश अभी भी मासूम और जिंदा है। मैं समझा नहीं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा नहीं हुआ, आपको टेनिस सीखते हैं? हाँ क्यों, तुम बड़ों को या लेडीज को नहीं सिखाते? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मगर ऐसा कभी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ ना, पहली बार मैं सिखा रहा हूँ। बट कोई एज नहीं है सीखने की, अगर आप में पैशन है तो आप सीख सकती हैं बिल्कुल। मेरे पास तो अब यही बची कुछ ही उम्र रह गई है ना सिखा दोगे तो शुक्रगुजार होंगी तुम्हारी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कौन से मुकाबले के लिए सीखना है, फिटनेस के लिए सीखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं आप, और मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी प्लेयर बन जाएंगी। ये तो अब मेरे ट्रेनर पे है ना कि मैं किस किस्म की खिलाड़ी बनूंगी। चलें फिर ट्राई करते हैं। ओके आ जाएं। वैसे अगर आप बचपन से खेलना शुरू कर देती ना आज आप बहुत बड़ी प्लेयर होती। ऐसे ही कह रहे हो, मेरा दिल रख रहे हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा खेला आपने। अरे क्या कमाल के एंगल्स हैं आपके। ये क्या है तुम्हारी फीस?
अरे नहीं मेहरू, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, मैं आपको फ्री में कोचिंग दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तुम्हें जरूरत है अभी, और तुम मुझे क्यों फेवर दोगे? दोस्तों में और जान पहचान में ऐसा तो नहीं होता कि आप दोस्तों को नुकसान पहुंचाएं। प्लीज पकड़ो, ले लो, हैव इट। थैंक यू। वेलकम। वैसे फीवर तो आप मुझे दे रही हैं, आप जानती थी मुझे पैसों की जरूरत है, कोई स्टूडेंट ढूंढ रहा हूँ, आप खुद मेरी स्टूडेंट बनकर आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो वो कर रही हूँ जो मैं बरसों से नहीं कर सकी, अपना अधूरा बचपन दोबारा से जीने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें तुम मेरा साथ दे रहे हो। मेरा साथ हमेशा हाजिर है। चलें फिर। चलें। सर, मैंने आपसे कहा था कि हमने कोटेशन बहुत हाई रखी है, हिदायत साहब के फरीद एंड कंपनी के साथ जाती ताल्लुकात थे, हिदायत साहब ने कभी भी फरीद एंड कंपनी को फरीद एंड कंपनी अंकल को नुकसान पहुंचा रही थी। अब हम दोस्ती के चक्कर में अपना नुकसान तो नहीं कर सकते ना, हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क देख के उस हिसाब से हमारे साथ डील करनी होगी। सर आप मैडम से एक मरतबा बात कर ले। मैडम ने यहाँ इंचार्ज मुझे बनाया, अगर आपको कोई एतराज है जाके उनसे बात कर ले। आइए वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम फरीद अंकल, कैसे आप? ठीक हैं? हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक मेल आई होगी, उसमें कोटेशन होगी, वो देख के आप परेशान मत होइएगा। एक्चुअली जो बॉस है हमारी मिसेस हिदायतुल्ला, ये कोटेशन उन्होंने ही फाइनल किया। मैंने उनको काफ़ी समझाया था कि इसमें कोई कमी पेशी कर लें, लेकिन क्या कर रहे तू? बर्तन धो रहा हूँ। अरे मैं धोता हूँ ना यार, सालों से धोता आ रहा हूँ। तू अपनी स्किन का ख्याल रख, वैसे क्या नौकरी मिली है? माम खाओ, पेड़ नहीं गिनो। अरे मैं पेड़ इसलिए गिन रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मजीद कितने आम गिनने वाले हैं। कितने आम खाना चाहते हो? 5,000 तूने दे दिए, 5,000 के अगर और आम आ जाने तो आसानी हो जाए। रेंट की पैसे तो बाद में दे देना। अंदाजा भी नहीं था इतने कमीने इंसान से दोस्ती करके रखी है मैंने। तो हमें कौन सा अंदाजा था, दिखने में इतने खाते पीते घराने के, अंदर से उतने ही गरीब और मुफलिस निकलोगे। बता दो ना नौकरी क्या मिली है। वे इधर देख, तू किसी गलत काम में तो नहीं लग गया है? जो एक दिन में 25,000 दी थी वो भी एडवांस। देख भाई, अगर तू किसी दो नंबर काम में लग गया ना तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज। मैं एक शरीफ इंसान हूं और तुझ जैसे इंसान की खातिर ना जेल और पुलिस के चक्कर नहीं काट सकता। तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? हाँ? अरे भाई आजकल किसी का कुछ भी नहीं पता होता, और वैसे भी ना कॉलेज में तुम्हारा दो नंबर काम में बहुत दिल लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो बच्चों को टेनिस सिखा रहा हूँ, एडवांस दे दिया था मुझे। यार बड़ा फालतू पैसा लोगों के पास, एक फजूल सी गेम सीखने के लिए इतने सारे पैसे दे दिए। जी सब तेरे तरह नहीं होते, जिनका जीने का मकसद खाना हो मजीद खाना हो, कुछ लोगों का जीने का मकसद फिटनेस और ट्रेनिंग भी होता है। जी मेरू। अरे आपका अपना घर का इवेंट है, मैं क्या करूँगा आपका? अच्छा नहीं नहीं अगर आप इतना इसरार करिए तो मैं आ जाऊँगा। जी जी हाँ हाँ इंशाल्लाह आ जाऊँगा, चलो की मुलाकात होती है। अरे थैंक यू थैंक यू। कौन है मेरू? वो रिनबो टेनिस से जा रहा था। अच्छा कहीं ये वही तो नहीं जो उस दिन तुम्हें मेरे घर ड्रॉप करने आई थी बड़ी गाड़ी में? हाँ। इसका मतलब असर हो गया मेरी बात का, उतार लिया आंटी को बोतल में। इंसान का बच्चा बन, मदद की उन्होंने मेरी, चक्कर करनी है मेरा उनके साथ। यार तुझ जैसे हैंडसम को कौन काफिर आंटी मदद करने से मना करेंगी। जाके बर्तन दो,
वरना तेरे 5000 रुपये नहीं दूंगा, चल निकल। अच्छा ये क्या पार्टी क्या थी, किसने इनवाइट किया तुमको? बेटे की मंगनी है। देख जरूर जाना, बिल्कुल जाना, और वापसी में ना खाने का जो कुछ भी हो लेके आना पैक करके। तो जाना जाके बर्तन धो यार। अरे धो रहा हूँ, धो रहा हूँ। अच्छा सुन, वो 5000 रुपये दे देना। दे देना यार, दे रहा हूँ। ठीक है अजीज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अजीज भाई मैंने फरीद अंकल से भी बात की है, हम लोग एक मीटिंग प्लान कर रहे हैं, तो होपफुली 2-3 दिन में होगी, आप रेडी रहिएगा। सही है? ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इसे क्या हुआ है? बीवा होकर भी दुल्हन से ज्यादा प्यार होकर आई। सुन लिया, अब तुम्हारे ससुराली भी बातें बनाने लगे। देखो जरा तुम्हारी माँ को चमक चलो बनकर आ गई है, कोई तुक्के? फ्रेंड्स आ गए? हाँ ऑलमोस्ट। बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? ऑड। क्या तुम भी सिर्फ इसलिए मेरा साथ नहीं दे सकते कि ये काम, ये बात, ये चीज मुझे खुशी देती है, जस्ट फॉर माय सेक? सॉरी मां, लेकिन सब लोग आपको अजीब नजरों से देख रहे हैं, अजीब बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू, बहुत खुशी हुई है कि तुम आए हो। आपने इतना इसरार किया था, कैसे नहीं आता मैं। बहुत अच्छी लग रही है आप। मेरा दिल रख रहे हो ना? अरे नहीं नहीं भाई, दिल रखना नहीं आता मुझे, सच कह रहा हूँ, अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। बैठो। मैं बैठता हूँ। बैठ। माँ पापा आपको बुला रही है, ये मेरी बेटी है मिनाल। हाय मिनाल, माहिर जहांगीर। तुम्हें बताया था ना कि टेनिस सीख रही हूँ, ये मेरे कोच भी हैं और मेरा दोस्त भी है। ओह आई सी, बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। थैंक यू। वैसे आप दोनों माँ बेटियाँ कम मैंने ज़्यादा रखती हैं। मेरे लिए तो ये कॉम्प्लीमेंट ही है, पता नहीं अब मिनाल को अच्छा लगेगा या नहीं। बैठो। वाला है।
सिपाही आसमां पे बुलंदियों के राही एकी पलकों में जो छलकती है उन दुआओं के साए में जाना नए रिश्तों में प्यार के मोती काटना घर दिलों में बसाना रंग बरंगी शाम दिखाए सात सुरों का जलवा छेड़ छाड़ने की तह छेड़े बल्ले बल्ले शावा आज बार नजरों का खाली गॉड तुम्हारी सांस को क्या हो गया लाल आंटी को रोको सब लोग देख रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा क्यों रोको वो खुश है क्या सबके सामने बाद में हाँ हाँ सच में चले ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ क्या था मारी क्या था ये सब क्या क्या किया मैंने सबसे पहले तो अपने ड्रेसअप होने का स्टाइल देखे आप फिर वो लड़का कौन था वो क्यों इतना फ्रैंक हो रही थी आप उसके साथ अफान तमीज से बात करो क्या तमीज से बात करूं माँ आपको अंदाजा भी कितना एम्बैरस किया आपने मुझे शहर के सामने उसके पेरेंट्स के सामने अब डांस कर रही थी आप उस लड़के के साथ बेटा वो लड़का तो घर भी आ चुका है मेहरुनिसा की उसके साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई है तो मैं घर में किसी को नहीं बुला सकती आप लोगों से इजाजत चाहिए मुझे मेरा घर है मेरी मर्जी मैं जिसको चाहूँ इनवाइट करूँ लेकिन आप माँ है हमारी आप कैसे किसी अनजान इंसान को बुला सकती हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसको और बाय द वे तुम्हारा मसला क्या है मेरे कपड़े मेरा डांस या माहिर को बुलाना मुझे इन तीनों चीजों से मसला है जब से बाबा की डेथ हुई आप तो वो माँ ही नहीं रही जो पहले थी पहले तुम्हारे बाप ने पाबंदियां लगाई हुई थी मुझ पे और अब तुमने उनकी जगह ले ली है मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूं तुम मेरे बाप मत बनो मेहरुनिसा ये बेटा है तुम्हारा इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो इसको अच्छा नहीं लगा उस लड़के के साथ तुम्हारा डांस करना जिसको अच्छा नहीं लगा वो इस घर से जा सकता है तुम्हें भी कोई मसला है तो बताओ बोलो मुझे कोई मसला नहीं है मुझे तो अच्छा लगा मगर जमीर को थोड़ा अजीब लगा देखो दामाद को भी बुरा लगा अफान जमीर आपा तुम मैं सिर्फ तुम लोगों के मुताबिक जीऊं वो ना करूं जिससे मुझे खुशी मिलती है तुम लोग मेरी खुशी में खुश नहीं होते बगैर किसी खौफ पाबंदी के मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ तुम लोग क्यों रोकते हो मुझे मैं वो 16 साल की बच्ची नहीं हूं जिसकी पसंद ना पसंद सोच खाब पे तुम लोगों का बाप काबिज था अब मैं वो करूंगी
जो मुझे ठीक लगे। माँ गलत कर रही हैं। आहिस्ता। माँ कह रहे हो तो माँ के मकाम को भी पहचान। पहचान तो, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि आप माँ हैं। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैं माँ हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ। आइंदा सब अपनी हद में रहें तो बेहतर होगा। पता